हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम बैक टू बैक आपकी पूरी सीरीज लेकर के आ रहे हैं। आपके कई सारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी हमने कवर करवा दिए हैं, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। बीए फर्स्ट ईयर के प्राचीन इतिहास को हम स्टार्ट करने वाले हैं एंड इसका पूरा सीरीज हम कंप्लीट करेंगे, यानी कि इसके हर एक चैप्टर को अच्छे से आपको समझाएंगे एंड उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आपके एग्जाम में जिस भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो वो भी कंप्लीट किया जाएगा, सब्जेक्टिव पूछा जाता है वो भी कंप्लीट किया जाएगा, दोनों मिक्स करके पूछा जाएगा तो भी आप इजीली अपना पेपर कर पाओगे। तो इसके अकॉर्डिंग सारा कुछ कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हो अदर सब्जेक्ट्स का। अगर आप कोई और भी सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के इजीली पा सकते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है बीए फर्स्ट ईयर के प्राचीन इतिहास के पेपर वन का चैप्टर नंबर वन। देखो सबसे पहले हिस्ट्री शुरुआत हो रही है, एंशियंट हिस्ट्री शुरुआत हो रही है। किस कौन सी हिस्ट्री? एंशियंट, प्राचीन, यानी कि पुराने समय के बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के स्रोत। सबसे पहले टॉपिक को समझो, प्राचीन भारतीय इतिहास, यानी कि प्राचीन मीन्स पुराना, बहुत पुराना। भारतीय इतिहास मतलब हमारे भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण मतलब क्या होता है? पुनः निर्माण, फिर से निर्माण करने के स्रोत, यानी कि भारत का जो प्राचीनतम इतिहास है उस इतिहास को फिर से निर्माण करने के कौन कौन से स्रोत हैं। इतिहास को फिर से निर्माण कैसे किया जाता है उसके बारे में तथ्यों को इकट्ठा करके, उसके बारे में जानकारी लेकर के, उसके बारे में लोगों को बता करके कि इतिहास हमारा ये था, ऐसे ऐसे हुआ था, इस टाइम पर ये था, इस सिचुएशन में ये था, हमारा इतिहास ऐसा था, हमारे साथ ऐसे ऐसी चीजें हुई हैं, हमारा कल्चर ऐसे ऐसे चीजों से डेवलप होते हुए गया है। तो भारत का जो प्राचीनतम इतिहास है उसका डेवलप करने के लिए कौन कौन से स्रोत है, किन स्रोतों के माध्यम से हमें पता चला हमारे देश में, हमारे भारत में पुराने समय में क्या चीजें हुई हैं, आज से 500 साल बाद, 1000 साल पहले हमारे देश में क्या हुआ था, कैसे कैसे कौन कौन लोग थे, कौन शासन कर रहा था, कैसी सिचुएशन थी, कैसी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी, लोगों का आम जीवन कैसा था, कितने वर्गों में समाज बटा हुआ था, अलग अलग चीज़ें, बहुत कुछ चीज़ें जानने को होती हैं। तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है मतलब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारे प्राचीन इतिहास क्या था। तो देखो अगर भारत के इतिहास की बात किया जाए तो भारत के इतिहास को जानने का सबसे इम्पॉर्टेंट स्रोत और सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है पुरातत्व। पुरातत्व के माध्यम से भारत में कई सारे क्षेत्रों के बारे में बहुत कुछ जाना गया और इतिहास के बारे में बहुत कुछ समझा गया। पुरातत्व यानी कि जो खुदाई वाला विभाग होता है, खुदाई करके पता किया जाता है या किसी जगह के बारे में पता किया जाता है कि हाँ यहाँ पर पिछले टाइम पे कुछ हो सकता था, उसकी खुदाई की जाती है और उससे बहुत कुछ चीज़ें सामने आती हैं। एंड इसमें पुरातत्व के अंतर्गत बहुत बड़ा ब्रॉड क्षेत्र आ जाता है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कि आपके लिए सबसे पहला चीज़ आप देख सकते हो अभिलेख। अभिलेख भी पुरातत्व के अंतर्गत ही आता है, पुरातत्व विभाग के द्वारा इस चीज़ की खोज की जाती है और उसके बाद उसमें जो लिखे हुए चीज़ें होती हैं उनको पढ़ने की कोशिश किया जाता है। हो सकता है वो किसी अदर लैंग्वेज में या प्राचीनतम लैंग्वेज में लिखी गई हो, जिन लैंग्वेज को हम आमतौर पर ना जानते हो, तो फिर उसको रिसर्च किया जाता है कि ये लैंग्वेज क्या था और इस लैंग्वेज में वो चीज़ क्या लिखी गई है, सब कुछ जानने की कोशिश किया जाता है। तो देखो अभिलेख में भी कई टाइप्स के अभिलेख, अभिलेख मतलब कोई चीज़ लिखा हुआ हो, तो अभिलेख में कई सारे टाइप्स होते हैं। जैसे कि पहला चीज़ है आपका स्तंभ लेख। स्तंभ समझ रहे हैं, स्तंभ मीन्स आपका खंभा। स्तंभ कई सारे देखे होंगे आपने, अशोक का स्तंभ का नाम जरूर सुना होगा। तो स्तंभ बने होते थे और उस स्तंभ पर कुछ लिखा होता था कि यह स्तंभ किसने बनवाया है, कब बनवाया, क्योंकि कुछ ना कुछ ओकेशन होता था, उस ओकेशन पर, उस टाइम पीरियड पर क्या चीज हुई, कहीं पर विजय प्राप्त किया तो एक स्तंभ बनवा दिया। आपने देखा होगा कई सारे चीजों पर, जैसे कि अकबर ने विजय प्राप्त किया था जब गुजरात पर, तो उसने जब वापस लौट करके आया तो फतेहपुर सीकरी में एक द्वार बनवा दिया, एक गेट बनवा दिया उस विजय के खुशी में। तो इसी तरह से जो भी स्तंभ बनवाए जाते थे वो स्तंभ बनने के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता था और वो सब उस पर लिखा होता था कि ये क्यों बनाया गया, किसने बनवाया, और पूरे वंश का नाम लिखा होता था उस राजा के। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जानने को मिलती थी। तो स्तंभों पर लिखे गए लेखों के माध्यम से प्राचीन इतिहास के बारे में जो हम जानते हैं वो कहलाता है आपका स्तंभ लेख। इसमें दूसरा लेख जो आपका है वो है शिला लेख। शिला मतलब क्या होता है? पत्थर, पत्थरों पर लिखा गया हो, जैसे कि पहाड़ है, पहाड़ों की शिलाओं पर, चोटियों पर कुछ लिख दिया जाता था। जो भी राजा होते थे, जो भी वो आसपास के पर्वत क्षेत्र होते, तो वहाँ पर अपने राज्य क्या, अपने राजा के बारे में, वंश के बारे में बहुत कुछ लिखा होता था, उस समाज के बारे में क्या चीज़ें, तो उसको गुदवा दिया करते थे। तो शिला लेख मतलब शिलाओं पर लेख। अगला टॉपिक जो आपका है, अगला जो हम पर प्राप्त करते हैं चीज़ों को समझने के लिए, वो है गुहा लेख। गुहा यानी कि गुफा,
गुफा के आगे, गुफाओं के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारी कलाकारियां बनी है, जैसे कि आप अजंता की गुफाओं को देख सकते हैं, अलग अलग तरह की गुफाएं हैं। तो आप देखोगे उसमें बहुत कुछ लिखा होता है, अलग अलग टाइम्स उस टाइम पीरियड पे अगर चित्रों के माध्यम से भाषा को जो है रिप्रेजेंट किया जाता था, तो चित्र बना दिया गया है, कई सारे चित्र आपको देखने को मिलेंगे। कई सारी गुफाओं में आप देखोगे भारत के अलग अलग गुफाएं हैं, अंगुलीमाल की गुफा हो गई, अजंता का गुफा हो गया, एलोरा की गुफा हो गई, आप जाओगे देखोगे बहुत कुछ उसमें बना हुआ है, बहुत कुछ उसमें राइट किया हुआ है, लिखा हुआ है। तो गुफाओं के अंदर जो भी चीजें लिखी हुई होती वो कहलाएगा आपका गुफालेख। उसके माध्यम से भी जानकारी मिलती थी कि ये किस राजा ने लिखवाया है, क्यों लिखवाया है, उस टाइम पीरियड पर क्या चीजें थी, किस तरह का डिजाइन आकृति के माध्यम से उसने इसको रिप्रेजेंट किया है, तो वो सब चीजें हमें जानने को मिलती हैं। एंड इसके बाद अगला आता है मूर्तिलेख। जब आर्यों के आने के बाद धीरे धीरे मूर्ति का प्रचार हुआ या मूर्ति बनाई जाने लगी, तो मूर्तियों पर भी लिखा जाने लगा कि ये मूर्ति किसकी है, कब बनवाया गया, किस राजा ने बनवाया, उस राजा के कुछ वंश के बारे में जानकारियां मिल जाती थी, तो मूर्तियों पर लेख लिखाया गया। अगला टॉपिक है आपका प्राकार लेख। प्राकार समझ रहे हैं, कई सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं, कई सारे वर्ड्स होते हैं जो हमें इजीली समझ नहीं आते। प्राकार मतलब होता है चार दिवाली, जो हम किसी भी बड़े महल के सामने, मंदिर के सामने एक चार दीवारी होती है, और उस चार दीवारी पर कुछ ना कुछ चीजें लिखी हुई थी, तो उस पर जो चार दीवारी पर चीजें लिखवा दी जाती थी उसको गुदवा दिया जाता था, उसको कहते हैं प्राकार लेख। और इससे भी अगर किसी राजा का महल है, उस राजा के महल के बाहर कुछ चीजें लिखवा दी गई है, किस राजा ने लिखवाया है, वो अपना नाम लिखता, अपने वंश का नाम लिखता, उसने क्यों किया, उसके पीछे क्या रीजन था, बहुत सारी चीजें उसमें थी, बहुत कुछ फैक्टर्स जो हमें जानने को मिल सकते हैं। बाद में पुरातत्ववेदों ने जब उसकी खोज किया तो उसमें बहुत कुछ चीजें सामने आई, तो समझना इंपॉर्टेंट है प्राकार लेख। अगला है आपका पात्र लेख। पात्र समझ रहे हैं, पात्र मींस बर्तन, बर्तनों पर कुछ लेख लिखवा दिया जाए वो कहलाएगा आपका पात्र लेख। ताम्र पत्र लेख, ताम पत्र मतलब ताम्र का, तांबे का जो पत्र, एक पत्ते की तरह बना दिया जाता था ताम्र पत्र को। उसमें भी आप पुराने समय में देखोगे कई सारी चीजें ताम्र पत्र पर लिखवा दी जाती थी, आपने कई सारे पुराने अगर टीवी सीरियल शोज देखे होंगे कि पुराने समय में क्या था, तो ताम्र पत्रों पर लिखवा दिया जाता था अलग अलग चीजें, तो ताम्र पत्रों पर लिखे लेखों से जान जाते हैं। अगला है आपका मुद्रा लेख, जो अगला टॉपिक भी आपका आ सकता है, इसके अंतर्गत ही ये चीज है मुद्रा लेख, यानी कि मुद्राओं पर भी लिख दिया जाता है। देखो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको मुद्राओं के बारे में से ही जानकारी लिया गया, मुद्राओं पर उस समय के राजा का सिग्नेचर या उसका साइन, उसका नाम, या वो किसी भी रिलीजन को मान रहा है उसके कुछ चिन्ह आपको दिखाई दे दें, या किसी जानवर का चिन्ह, या प्रकृति से उस समय के राजा का क्या लगाव था, वो किस तरह की चीजें रखता था, या कई बार तो ऐसा होता है कि पूरा पूरा इतिहास एक टाइम पीरियड का एक सिक्के के माध्यम से ही बना दिया गया, जैसे कि हिंदू यौन इतिहास जो आपका है, हिंदू यौनों का, कि यौन हिंदू यौन भी आए हुए थे भारत में या थे उस समय एग्जिस्ट करते थे, उनका पूरा का पूरा हिस्ट्री सिक्कों के माध्यम से ही बनाया गया है, और उसके माध्यम से पूरी हिस्ट्री एक सीरीज में आ पाती है, अदरवाइज इतना पूरा गैप था। तो एक सिक्के के माध्यम से पूरी की पूरी हिस्ट्री हिंदू यौनों की लिखी गई है। तो सिक्का भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है प्राचीन इतिहास को जानने के लिए, प्राचीन समाज को जानने के लिए, बहुत कुछ चीजें उसमें छिपी होती हैं, उसमें कई सारे देवी देवताओं के चिन्ह होते हैं, या कुछ लिखित चिन्ह भी होते हैं, या कुछ साइन बने होते हैं, जिससे कि पता चल सके उस समय के लोगों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो सिक्के मुद्राएं भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं टॉपिक, बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हो जाता है इतिहास को जानने का। इसके बाद थर्ड आता है आपका स्मारक। स्मारक मीन्स भवन। भवनों से भी बहुत कुछ जानने को मिलता है, किस राजा ने यह भवन बनवाया हुआ था, या एक भवन बनने में उसमें कौन कौन सी कलाकारियां की गई, किस किस टाइप की कलाकारी हमें देखने को मिलती है। जैसे कभी एक लेखक अपनी बातें लिख रहा होता है अपनी बुक्स में, अपनी किताबों में शब्दों के माध्यम से, ऐसे ही एक कलाकार भी अपनी कला लिख रहा होता है, अपने जो भी उसके अंदर कला है, जो भी उसके अंदर गुण है, जो भी उसके अंदर एक पर्सपेक्टिव है, उसको वो अपनी कला के माध्यम से रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो जब पुरातत्ववेत्ता की उनकी काम ही यही कलाओं को पढ़ना कि कितनी विकसित उस समय कला थी, क्या क्या चीजें थी, कैसे कैसे ये चीज बनाया गया, मीन्स ये किस समय के लोगों के बारे में उनकी धारणाएं क्या थी, उनके कुछ ना कुछ, क्योंकि देखो जो चीज आप मानते हो उसी के अकॉर्डिंग आपके आसपास की चीजें होने लगती हैं। अगर आप किसी एक रिलीजन से रिलेट करते हो, उस रिलीजन में जिस तरह के नक्शे होंगे, जिस तरह के टाइप्स के आप घर अगर बनवा रहे हो, तो उसमें भी वो चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो इसी तरह से जो स्मारक, जो भवन थे, वो भवन भी अपने आप में बहुत कुछ बताते हैं, और भवनों पर कई जगह पर लिखवा भी दिया जाता था किस राजा ने बनवाया, क्यों बनवाया, किस राजवंश का है, उसका पूरा वंश लिख दिया जाता था, और उस समय के बारे में लिख दिया जाता कुछ चीज़ें, जहाँ से बहुत कुछ चीज़ें जानने को मिलती थी।
इसके बाद ये सब चीजें तो हो गई पुरातत्व के माध्यम से, एंड इसके बाद कुछ लेखों के माध्यम से हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं कि इतिहास में क्या हुआ था, उस समय क्या सिचुएशन था, कैसा कैसा समय पीरियड था, सब कुछ हम जान सकते हैं। कुछ चीजें उसमें उस समय के जगहों के बारे में, स्थानों के बारे में, उस समय के समाज के बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलता था। जैसे कि वेदों की बात किया जाए सबसे पहला, क्योंकि आपको पता है सबसे प्राचीनतम ग्रंथों की बात किया जाए तो उसमें वेदों का नाम सबसे पहले आता है। सबसे प्राचीनतम वेद आ जाता है आपका ऋग्वेद। तो उसी तरह से वेदों के से हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है उस समय के समाज के बारे में। उस समय कई सारे ऐसे मंत्र हैं जो उस समय के लोगों के बारे में बताते हैं, जैसे कि आप देखोगे एक मंत्र है जिसमें 10 राजाओं के युद्ध के बारे में बताया गया है, जो कि हमें कई सारे इतिहास की बुक्स में मिलता है। 10 राजाओं का युद्ध हुआ था अफगान के पास, जो पंजाब वाला क्षेत्र है, पंजाब के क्षेत्र में, गंगा यमुना के तट पर। तो इस तरह से चीज़ें हमें समझने को मिलती हैं, जानने को मिलती हैं वेदों से, अलग अलग चीज़ें अलग अलग समय के पीरियड के बारे में, उस समय क्या चीज़ें हुई थी, किस सिचुएशन में था। वेदों में अलग अलग जगहों के बारे में बात किया गया है, गंगा यमुना के बारे में बात किया गया है, सरस्वती के बारे में कई बार बात किया गया है, सरस्वती नदी के बारे में। तो जो वो सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं और उससे रिलेट कर पाते हैं कि हाँ ये चीज़ें थी। तो उस समय के समाज के बारे में कई बार चीज़ें मिलती है, उस समय लोगों का समाज कैसा था, लोगों के विचार कैसे थे, लोग किस तरह से समझते थे, सोचते थे, बहुत सारी चीज़ें हमें वेदों में देखने को मिलती हैं। एंड वेदों के बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उपनिषद, यानी कि वेदों को ही थोड़ा सा सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाना, यानी कि वेदों को लोगों की भाषा में लोगों तक पहुंचा देना, जिससे कि लोग उसको अच्छे तरीके से समझ सके, ये कहलाता है आपके उपनिषद। एंड इसके बाद आता है आपका वेदांग और सूत्र, यानी कि वेदों का ही कुछ पार्ट लेकर के, वेदांग मतलब वेद का एक अंग लेकर के उसको विस्तृत करके किसी पुस्तक के रूप में लेकर के आना, लोगों के सामने लेकर के आना, किसी एक मेन पॉइंट को उठाना और उस पर अपने विचार रखना, अपने विचार व्यक्त करना, ये कहलाता है आपका वेदांग या सूत्र कहलाता है। एंड इसके बाद आ जाता है वेदांग और सूत्र के बाद आपके महाकाव्य। वेदों के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है महाकाव्य, जिसमें आप दुनिया के 2 बड़े महाकाव्यों के बारे में जानते होंगे, रामायण और महाभारत। अब रामायण और महाभारत से बहुत कुछ चीजें प्राचीन इतिहास के बारे में, उस समय के इतिहास के बारे में, उस समय के समाज के बारे में, उस समय की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, लोगों की मानसिक स्थिति, लोग किस तरह से रहते थे, उनका जीवन से रिलेटेड सब कुछ, राजनीतिक क्षेत्र कैसा था, आर्थिक क्षेत्र कैसा था, सब चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। आप रामायण में देखोगे दक्षिण की दिशा में समुद्र के बारे में बताया गया है कि दक्षिण में जाने पर समुद्र मिलता है, ये अलग अलग जगहों पर ये वन है, ये पहाड़ है, हिंदुकुश पर्वत के बारे में बात किया गया है, और जिस पर्वत पर सुग्रीव और मिले थे उनको, वो पर्वत की बात किया गया है जिसको अमरावती श्रेणी के पर्वत कहते हैं, एक्चुअली अभी इस समय नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, उस श्रेणी का नाम अरावली की श्रेणी, उसके के बारे में जो भी चीजें हमें दिखाई गई हैं कि जमुना को इस तरह से पार करके राम अयोध्या से जाते हैं, जिससे कि एक लैंडमार्क के बारे में बात पता चलता है कि हाँ अयोध्या यहीं था, तो यहां से ये चीजें सामने देखने को मिली है, यहां से इधर गए तो इस दिशा में जाने पर, यहां पर इतनी दूर चलने के बाद यह नदी मिला, सरयू नदी मिला, या अलग अलग नदियां। तो उससे समझ में आता है कि उस समय के इतिहास के बारे में, उस समय के समाज के बारे में बहुत कुछ चीजें जानने को मिलती है रामायण के बाद। आप महाभारत की बात करोगे, महाभारत दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज जो है महाकाव्य के रूप में सामने आता है, और बहुत कुछ उससे बहुत बड़े लेवल पर उस चीज़ें एक स्केल की जाती हैं, और उससे उस समय के समाज के बारे में, उस समय के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सारी स्थितियों के बारे में हमें समझने को मिलता है। एंड इसके बाद महाभारत महाकाव्यों के बाद आता है आपका स्मृति ग्रंथ। स्मृति किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में, कुछ लोगों के बारे में, कुछ समाज चीज के बारे में एक विशेष अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है किसी व्यक्ति के बारे में। जैसे कि आपने देखा होगा मनुस्मृति भी, आपने देखा होगा मनुस्मृति हो गया, अलग अलग स्मृतियां हैं जो उन लोगों के बारे में बताती हैं, तो उस समय के समाज के बारे में भी उससे जानकारी मिल जाती है। एंड इसके बाद आता है आपका बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ आए, बौद्ध ग्रंथों के माध्यम से उस समय के समाज के बारे में, बौद्धों का जब उदय हो रहा था तो बौद्धों के रिलेटेड बहुत सारी ज्ञान, जो वो बौद्धों के धर्म से रिलेटेड चीज़ें हो सकती थी, उस समय समाज कैसा था, समाज को क्या संदेश दिया जा रहा था, समाज में क्या बुराइयां थी जिसको दूर करने की कोशिश किया जा रहा था, तो उस समय के समाज के बारे में हमें जानने को मिलता है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो बुद्ध के बारे में, बुद्ध के समाज के बारे में, उस टाइम पीरियड के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है अलग अलग चीज़ों में। उसके बाद जैन धर्म के बारे में, उसी तरह से जैनों के ग्रंथ में जैन धर्म के बारे में जानने को मिलता है, क्योंकि ये सब ईसा से पहले की बात है ना, तो उस समय जो हमारा प्राचीन इतिहास वहीं से स्टार्ट होता है। प्राचीन इतिहास हमारा जो है 700 ईस्वी तक प्राचीन इतिहास माना जाता है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद आ जाता है आपका लौकिक साहित्य, यानी कि जो आपके आसपास के लोग हैं उनका अपना एक साहित्य, किसी के जीवनी पर कोई साहित्य लिख दिया गया, किसी के बारे में हिंदी साहित्य के बारे में बात कर लो आप, कई सारे लौकिक साहित्य है जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, तो उससे उस समय के बारे में जिन जानकारियां हमें मिलती है।
तो ये सब चीजें हैं ओवरऑल जिस चीजों की से हम अपने प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जान सकते हैं कि हमारे प्राचीन भारत में इतिहास कैसा था, कैसे कैसे लोग थे, क्या समय था, क्या सिचुएशन था, किस तरह से लोग रहते थे, उनका सामाजिक धार्मिक आर्थिक स्थिति क्या थी, सब कुछ जानकारी मिल सकती है। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या चीजें आ गई, सबसे पहली चीज आपका पुरातत्व आ गया जिसमें अभिलेख आ गया, दूसरा आपकी मुद्राएं हो गई, तीसरे आपके स्मारक हो गए, उसके बाद आपके बुक्स के रूप में आ जाते हैं वेद, आ जाते हैं उपनिषद, वेदांग, एंड उसके बाद आ जाता है आपकी स्मृतियां, वेदांग के बाद महाकाव्य, फिर स्मृतियां, फिर बौद्धों का धर्म, जैनों का धर्म, उसके बाद आप इस्लामिक हिस्ट्री उठा करके देखोगे 700 एडी के बाद, यानी कि तो आपका मॉडर्न जो मेडाइवल हिस्ट्री के अंतर्गत वो चीज़ें आने लगती हैं जब से इस्लाम का उदय होता है। तो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आपकी ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद भी अलग अलग चीज़ें हैं जिससे हम जान सकते हैं खुदाई के द्वारा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें, जैसे कि आप देखोगे आपका मोहनजोदाड़ो हो गया, ये खुदाई के द्वारा ही मालूम चला, हड़प्पा की संस्कृति हो गई, खुदाई के द्वारा ही हमें पता चला उसके बारे में, वहाँ के बारे में जानने को मिला जब खुदाई किया गया कि वहाँ पर किस तरह से नगर डेवलप थे, किस तरह के लोग थे, वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती थी, किस धर्म से वो रिलेट करते थे, धार्मिक चिन्हों के रूप में वो किस चीज़ का यूज करते थे, जिससे हमने देखा कि जो हड़प्पा की संस्कृति थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस सभ्यता में जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो शहर थे वो इतने डेवलप थे कि वो आज के सिटीज को टक्कर दे सकते थे। इतना डेवलप आज से लगभग 5000 साल पहले, इतना डेवलप था कि अंडरग्राउंड नालियों की व्यवस्था थी, अंडरग्राउंड नालियां जो आज के समय में हमें देखने को मिलता है थोड़ा बहुत, कहीं कहीं तो ऐसी जगह जहां पर नालियां भी अभी इस टाइम पीरियड पर देखने को नहीं मिलती हैं। और कुछ आज से 4000-5000 साल पहले लोगों के दिमाग में इस तरह से कैसे चीजें थी कि अंडरग्राउंड नालियां बनी हुई थी, अंडरग्राउंड से पानी जा रहा है और इस तरह से कि ऊंचाई से ढलान की तरफ इस बनाया गया था कि आप पानी कहीं से भी छोड़ रहे हो और वो एक विशेष स्थान पर जहां पर उसको जाना है जाएगा। इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाया गया था, उसमें किस तरह से इतना सब कुछ डेवलप कर लिया गया था, किस तरह से उनके घर बने हुए थे, उनके जो कई क्षेत्रों में घर बने हुए थे छोटे लोगों का, उससे आम जो मध्यम वर्ग के लोग हैं या जो राजा हैं या महा लोग हैं उनके कैसे सिचुएशन थे, उनका कैसे घर बना होता था, किस तरह से उनकी खिड़कियां खुलती थी, सब कुछ जानकारी मिलती है। तो इससे हमें क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। तो इतिहास के बारे में देखो कभी भी एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते कि क्या चीज़ें हुई थी, जैसे कि अभी हम यहाँ हैं एंड अगर यही इस समय कुछ हो जाए और ये चीज़ ज़मीन के अंदर चली जाए या किसी वजह से ये चीज़ ख़त्म हो जाए और बाद में हजारों सालों के बाद जब कोई खोद करके निकालेगा तो देखेगा यहाँ पर हड्डी है, यहाँ पर कुछ बोर्ड्स के अंग मिल रहे हैं, लकड़ी वकड़ी है, कुछ कलर के हैं, कुछ इंक मिल रहा होगा, जब बाद में खोज किया जाएगा कुछ चेयर है, कुछ माइक वाइक सा है, कुछ इसमें धातु है, तो अलग तरह से अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ यहाँ हो सकता है कि कुछ चीज़ें हो रहा था, लकड़ी का काम हो रहा था या फिर यहाँ कोई स्टूडियो था या कोई न्यूज का या चैनल वो था, अलग तरह से अनुमान लगाया जा सकता है। तो इसी तरह से जो भी हम इतिहास के बारे में जानते हैं वो एक अनुमान ही हो सकता है, कुछ चीज़ों को तथ्यों के बारे में जो हमें लिखित मिलता है उससे हम समझ पाते हैं, लेकिन जो खुदाई के द्वारा मिलता है उसमें हम अनुमान लगाते हैं कि ये चीज़ें थी तो इससे ये सिचुएशन हो सकता था। ओके तो ये सब चीजें हैं भारतीय इतिहास के बारे में जानने के, पुनर्निर्माण करने के स्रोत। आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करो, पहली बार चैनल पे है प्लीज विजिट द चैनल, इट इज द मोस्ट वन चैनल इफ यू आर इन बीए, तो एक बार जाकर के विजिट कर लेना, ऑलरेडी 1400 वीडियोज बीए से रिलेटेड अपलोडेड है चैनल पे, आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर इस तरह की इतनी वीडियोज आपको बीए से रिलेटेड नहीं मिलने वाली है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि उनको भी इससे पता चल सके, हो सकता है उनको भी पता भी ना हो कि कोई इस तरह से है जो उनके लिए इतना एफर्ट लगा रहा है, उनको इतना सब कुछ प्रोवाइड करवा रहा है, तो शेयर करो ताकि उनको पता चल सके और वो भी अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। ओके मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।